हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल एमएससी कोर्स। आज हम जानने वाले हैं कि अपने चैनल के लिए प्लेलिस्ट कैसे क्रिएट करें। आपको पता ही होगा, हमारे चैनल पर जब अलग अलग कैटेगरीज की वीडियो होती हैं तो हमें अलग अलग रखने की ज़रूरत होती है ताकि ऑडियंस आए, और जो भी ऑडियंस जिस भी कैटेगरी का वीडियो देखना चाहता है वो उस कैटेगरी का प्लेलिस्ट खोल कर वही वीडियो देखे। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने YouTube एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सबसे नीचे राइट साइड देखेंगे लाइब्रेरी लिखा है, लाइब्रेरी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ देखिए लिखा है हरे कलर में, ग्रीन कलर में, न्यू प्लेलिस्ट। इस न्यू प्लेलिस्ट को आपको ओपन कर लेना है इस पर क्लिक करके। तो सबसे पहले चलिए इसको हम ओपन करते हैं। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ ऊपर देखेंगे राइट साइड ऑफ कॉर्नर पर नेक्स्ट लिखा है, इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ टाइटल पर अपने प्लेलिस्ट का नाम लिखना है कि किस नाम से हम अपना प्लेलिस्ट बनाना चाहते हैं। यहाँ आप एक बात का ध्यान दें कि आप प्लेलिस्ट का जो नाम रखिए उस प्लेलिस्ट में उसी कैटेगरी का वीडियो होना चाहिए। जैसे पर आप टीचिंग के कैटेगरी का वीडियो बनाए हैं तो टीचिंग कैटेगरी से अपने प्लेलिस्ट का नाम लिखिए। मैं मोबाइल ऐप का जानकारी दिया हूँ उसी वीडियो को इसमें रखूँगा, तो मैं इसे इस प्लेलिस्ट को मोबाइल ऐप टिप्स के नाम से बनाऊँगा ताकि जो भी बंदा देखे तुरंत समझ जाए कि इस प्लेलिस्ट में कैसा वीडियो है। तो चलिए हम अपना प्लेलिस्ट बनाते हैं। अब दोस्तों आप नीचे देखिए यहाँ प्राइवेट का ऑप्शन है, इस प्राइवेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे पब्लिश कर देंगे। पब्लिश करने के बाद आप क्रिएट वाले आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए लिखा है क्रिएट, इस पर क्लिक करने के बाद फिर आप यहाँ पर चले आएंगे। यहाँ पर आने के बाद आप इस पेज को रिफ्रेश करें, एक बार रिफ्रेश कर दें। रिफ्रेश करने के बाद आप यहाँ देखेंगे मेरा दूसरा एक प्लेलिस्ट है शो हो रहा है यूट्यूब टिप्स के नाम से, इसी के ऊपर अभी ये प्लेलिस्ट शो होने लगेगा कुछ ही देर में। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हमारे प्लेलिस्ट सर्च करता हुआ दिख रहा है और अभी थोड़े देर में ये शो होने लगेगा। या आप चाहें तो YouTube एप्लीकेशन को पूरा कट करके फिर से चालू कर सकते हैं। फिर से चालू करके यहीं पर आके लाइब्रेरी के नीचे देख सकते हैं तो हमारा न्यू प्लेलिस्ट दिखने लगा मोबाइल ऐप टिप्स के नाम से। तो दोस्तों देखिए कितना आसान है प्लेलिस्ट बनाना। इसी प्रकार और भी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी वीडियो एंड कंप्यूटर कोर्स, मोबाइल कोर्स, वीडियो एडिटिंग कोर्स जानने और सीखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें। और भी अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।